स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बाहर और हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त भी है और क्रिस भी आया है, तो आप लोग देख सकते हैं। यह है अंकित। हेलो भाई। और हम जा रहे हैं बाहर, अभी हम राजा के घर पे जा रहे हैं। हमारे राजा नाम का एक दोस्त है, हम उसके घर पे जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम उधर से मार्केट निकल लेंगे। तो आपको दिखाते हैं पूरे ब्लॉग में कि हम क्या क्या सामान लेंगे और मार्केट का भी पूरा व्यू दिखाएंगे। और दोस्तों आज हम स्कूटी से नहीं, आज हम पैदल हैं, तो आपको पूरे रास्ते का भी व्यू दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हो गाइस, कोई कुछ लोग कहते हैं लड़कियों में दिमाग नहीं होता, तो ये देखो उनका दिमाग निकाल रहा है। ये लड़कियों का दिमाग निकाल रहा है, नहीं लेके आया है अंकित। ये देखो दोस्तों, अंकित इसको अपने से मिला रहा है, बोल रहा है बिल्कुल सेम दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, फाइनली हम राजा घर पे आ चुके हैं और ये रहा हमारा राजा जो बहुत शर्मिला है, शर्मा रहा है, बोल रहा है कि मैं ऐसा मतलब वीडियो में नहीं दिखूंगा। आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और ये क्रिस दो चप्पल तीन चप्पल एक साथ पहनने की कोशिश कर रहा है। तो भाई तीन चप्पल पहन कहाँ जाएगा, हम क्या पहनेंगे भाई, तीन चप्पल पहन कर दो। कहाँ पे कर रहे तू, देख सकते हो क्रिस ने एक छोटी बच्ची भी ले लिया है, वो गाना गा रही है थोड़ा, और ये थोड़ा गाना गा रही है, नहीं गा रही है, मैं भी गा रही हूँ, गाने लगी गाना, देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों फिर हम बाहर जाते हैं और मार्केट जाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा व्यू, तो हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है और सूरज चाचू भी जाने वाले हैं और हम सब बाहर निकल चुके हैं दोस्तों, तो हम रास्ते में जा रहे हैं। सब्जी लेने आ चुके हैं और यहाँ पे हम प्याज ले रहे हैं। भाई प्याज कैसे दे रहे हो, 20 रुपए किलो, हाथ के दे रहे हो भाई, हाथ के दे रहे हो। हम आ गए दूसरे सब्जी वाले पे और यहाँ से हम टमाटर लेंगे। कैसे दे रहे हो टमाटर 20 रुपए किलो दे रहे हैं। तो फाइनली हम टमाटर लेके निकल चुके हैं और अब आगे चलते हैं एक सब्जी लेने। भाई देखो टमाटर दिखा रहे, देख लेते दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो हम दूसरी सब्जी वाले पे आ गए और हम अब ये ले रहे हैं, पता नहीं इसका मुझे नाम नहीं पता है, ये भी रमास की फली कहते हैं गाइस इन्हें, तो गाइस इन्हें रमास की फली कहते हैं, अंकित बोल रहा है। और वो भैया मतलब होता है हमारे साथ कुछ, यहाँ की पब्लिक देखो, ये राजा यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा है, करेला चेक कर रहा है, हम लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने अंकल को पैसे दे दिए और अंकल अब पैसे लौटाएंगे, फिर हम आगे निकलेंगे घर के लिए। अब